भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने चार नगर निगम चुनावों के लिए 64 वार्डों में 64 प्रत्याशी उतार दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विचार विमर्श, सर्वेक्षण एवं जनता की फीडबैक के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के सभी उम्मीदवार कर्मठ, जनता के प्रति समर्पित, जवाबदेह एवं समाज में उत्तम कार्य करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता इन नगर निगम चुनावों को लेकर उत्साहित हैं और धरातल पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक वार्डों के प्रभारी पहले ही तय हो चुके हैं, जो इन चुनावों का संचालन बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, और भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जन समर्थन की अपील कर रहे हैं और जनता से भी सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि धर्मशाला नगर निगम चुनाव के प्रभारी का दायित्व वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया संभाल रहे हैं। इसी प्रकार पालमपुर नगर निगम प्रभारी का दायित्व उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर, मंडी नगर निगम के प्रभारी का दायित्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सोलन नगर निगम के प्रभारी का दायित्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल संभाल रहे हैं। सभी नेता काफी अनुभवी हैं और चुनाव प्रबंधन के बारे में निपुण हैं। इनके अनुभव एवं मार्गदर्शन में भाजपा चारों नगर निगमों पर जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों ने भी अपने अपने कार्यकर्ताओं की इन चुनावों में जिम्मेवारियां तय कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों के साथ ही 6 नई नगर पंचायतों चिड़गांव, निरबा, अम्ब, आनी, निरमंड एवं कंडाघाट के चुनावों में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चारों कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए सभी 64 वार्डों के अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रदेश चुनाव समिति में लंबे विचार विमर्श के बाद और सर्वेक्षण के आधार पर तथा जनता का जो सुझाव आए हैं उसके तहत ही सभी 64 के 64 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं। सभी प्रत्याशी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे हैं और जिस प्रकार से हमारी अपेक्षा थी उसके अनुरूप, और निश्चित रूप से इस चुनाव में हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा हमारे जो 6 नगर पंचायतें हैं उसके भी हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और वहाँ पर भी हम जीत हासिल करेंगे। इन चुनाव को लेकर हमारे सभी कॉरपोरेशन और नगर पंचायतों में लोगों के अंदर भारी उत्साह है। जिस प्रकार से अभी हमारे स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। प्रदेश की जनता ने 3 साल का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा, श्री जयराम ठाकुर जी उनके जो प्रदेश में योजनाएं उन्होंने लागू की, जो विकासात्मक कार्य किए, उसी का नतीजा रहा कि जनता ने उनके योजनाओं के ऊपर, उनके विकासात्मक कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। और इस चुनाव में जो भी कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी उसी प्रकार से जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ये कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले 2022 के लिए आधारशिला हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से 2014 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हर बड़ा चुनाव जीता, हमने 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 फिर लोकसभा, उसके बाद जो 2 बाई इलेक्शन धर्मशाला और छाद में हुए उसको भी जीता, उसके बाद अभी जो पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई, स्थानीय निकायों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और अब चारों की चारों कॉरपोरेशन में भी हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे। हमने इन चुनाव के लिए चारों जगह प्रभारी, सह प्रभारी और उससे नीचे हर वार्ड के प्रभारी और नियुक्त किए हैं। हमने ये प्रयास किया कि हमारी की अच्छी टीम हर वार्ड में हो और इसके साथ साथ हमारी आईटी, हमारा सोशल मीडिया, हमारे सभी मोर्चे, चाहे वो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, किसान मोर्चा है या अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारा एसटी मोर्चा है, हमारा ओबीसी मोर्चा है, सभी लोग इस चुनाव में लगे हैं। एक सबका एकजुटता के साथ कार्य करना, आने वाले चुनाव में और जब नतीजे आएंगे निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।